foot. राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 21 सितंबर, तो इस दिन का मॉर्निंग व्लॉग मैंने शेयर कर दिया था। तो ये दिन से स्टार्ट हो रहा है लगभग 12 बजे से, तो शनिवार था उस दिन। तो जी यहाँ पर मैंने ढेर सारे कपड़े धोए हुए थे ना, तो उसी को ही उठा रही हूँ मैं। इसमें डेली वियर कपड़े भी हैं इतने सारे, और जो मैंने सोफ़ा के कवर धुले हुए थे ना मॉर्निंग पर, तो वो मॉर्निंग पर नहीं, सोफ़ा के कवर पहले दिन ही धो दिए थे, तो इनको मैं आज उठा रही हूँ, क्योंकि रात में शाम को धोने के लिए डाले हुए थे ना, तो फिर रात भर सूखते रहते हैं, तो सीधे दूसरे दिन ही उठाती हूँ। तो बेमॉर्निंग सूख गए थे वैसे, तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला उठाने का। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर अपना धूप लगती है, अच्छे से भी सूख जाएंगे, और इतने जब बरसात हुई थी तो इतना स्मेल करता था ना अंदर, तो इसीलिए मैंने सोचा अपना अब अच्छे से सूखते हैं कपड़े। तो यहाँ पर सारे सोफा के कवर अपर उठा रही हूँ। धूप इतनी ज़्यादा है ना सच में, मुझे कपड़े उठाने में ना बहुत परेशानी हो रही थी। और पता है एक दो दिन से तेज़ धूप है ना, तो गर्मी जैसे जिन दिनों बारिश हो रही थी ना उन दिनों ऐसा लग रहा था जैसे कि अब तो ठंडी आ ही जाएगी। तो हमने पतले वाले ब्लैंकेट भी निकाल दिए थे ओढ़ने के लिए, क्योंकि सच में इतना ठंडा हो रहा था ना, रात में ठंडी हवा चल रही थी। और अभी देखो दो दिन के तेज़ धूप से ना गर्मी सी लगने लग गई है, एकदम खाना बनाने में पसीने छूट जा रहे हैं किचन में सच में। तो यहाँ पर मैंने ना सारे कपड़े उठा दिए हैं, और ये वैष्णवी के क्रिकेट की टब में बाहर डाली हूँ, क्योंकि ये पसीने से शाम को जब खेलने जाते हैं तो ये वापस आते हैं, पसीने से पूरे भीगे रहते हैं ये, तो इनको धूप में डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इतनी स्मेल आती है ना सच में। तो फिर अब तो नए लाने वाले हैं इसके पापा, क्योंकि ये अब वो बड़ी हो गई है, तो इसके लिए छोटे भी हो रहे हैं, और इसके जो ये बांधने वाले हैं ना ये जो रबर बैंड होता है जो, ये लूज़ हो गए हैं उसके, तो अब नया किट आ जाएगा उसका। तो इनको मैं धूप में डाल ली हूँ, और धूप में डालने से थोड़े से ठीक भी रहता है, नहीं तो बैग में पैक ही रहता है, तो वो पसीने से ना बहुत बेकार से हो जाते हैं, किसी दिन तो भूल जाते हैं। तो आजकल तो मैं याद रख कर डाल देती हूँ, अब मैंने अपनी ये ड्यूटी ही लगा दी कि मैं ही रखूँगी करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे कपड़े उठा दिए हैं जो परसों हाथ धोए हुए थे ना इतने सारे शाम को, तो उठा दिए हैं। और वैष्णवी का क्रिकेट किट है जो, उसको धूप में डाल दिया है, क्योंकि फील्ड में खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है ना, तो उसकी स्मेल आ जाती है, और इनको धोने भी हैं। अब जब बहुत तेज़ धूप आएगी ना कंटिन्यूस तब धोएंगे, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएंगे ना, इसलिए अभी धोए नहीं है, तो धूप में रख दिए हैं जिससे इनकी जो थोड़ी सी स्मेल है दूर हो जाएगी। और ये कपड़े रख दिए हैं मैंने यहाँ पर, इनको बाद में तय करूँगी मैं। और अभी चाय रखी है, वैसे तो 11:30 या 12 बजने वाले हैं शायद, तो इस टाइम पर चाय पी रहे हैं हम लोग, क्योंकि आदत से है ना थोड़ी थकान लग जाती है, फिर बस लंच टाइम हो जाता है, फिर आगे का रूटीन में स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड चलती हूँ अब सीधे किचन की। और तो शनिवार है तो इसके पापा घर पर ही हैं, और वैष्णवी स्कूल गई हुई है, उसका एग्ज़ाम है आज, लास्ट पेपर है इसका EVS का। और तो इसके पापा घर पर है तो ना हमारा बोलना ही हुआ रहता है, एक दूसरे की हम टांग खींचते ही रहते हैं, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाला हुआ है ना, खाली फिर सुनाई देता है तो आप लोग भी हंसोगे कैसे बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं आपस में। तो हम लोग ऐसे ही एक दूसरे का मजाक करते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं, इसलिए बात चलती रहती है बीच बीच में। तो यहाँ पर चाय बनाने की बारी आ रही थी, मैंने कहा कि आज तो आपका ऑफ है तो आप बना दो चाय, तो ये बोल रहे थे नहीं मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है तुम ही बनाओ करके। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो मैं ही बना लेती हूँ, फिर इनसे बनाओ बोलती हूँ ना, तो इनकी चाय में क्या होता है चाय पत्ती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मतलब स्ट्रांग चाय टाइप बन जाती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और वो मुझे सूट भी नहीं करता है, पेट दर्द होने लगता है मेरा, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से बिस्किट के पैकेट भी ले आई हूँ मैं, मैंने सोचा चाय क्या पिए, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह भी ले लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ता ना हमने बहुत हल्का सा किया था, पोहा बनाया हुआ था, क्योंकि इतना सारा काम हो रहा था ना, क्लीनिंग का रूटीन था जो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फिर ब्रेकफास्ट करने में देरी हो गई थी। तो इसके पापा बोले चलो जल्दी से पोहा ही बना लेते हैं, और फिर तो लंच का ही टाइम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने भट की दाल भिगाने के लिए डाली हुई थी कल, ये देखिए ये काली वाली भट है,
पहाड़ों में मिलता है हमारे जो पहाड़ी सब्सक्राइबर है मेरे, उनको तो पता ही होगा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो काफ़ी अच्छा है ये हेल्थ के लिए। तो मैं हम खरीद कर ही लाते हैं, क्योंकि हम लोग गांव में खेती नहीं करते हैं, इसलिए जो भी दाल दूल है खरीद कर लाते हैं। कुछ चीज़ें मिल भी जाती हैं, कुछ जो नहीं मिलती हैं वो खरीद कर ले आते हैं, क्योंकि पहाड़ की चीज़ें हैं भाई, शुद्ध देसी पहाड़ की चीज़ें कहाँ मिलती हैं ना बाहर, इसलिए। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चना, कटे वाले चने डाल दिए हैं, और थोड़ा सा मलका, मलका इसलिए क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा, तो इससे ना दाल का लुक कुछ अलग सा आता है, क्योंकि ये काला भट है। और देखिए इसका जो रस होता है ना, एकदम वो पर्पल कलर का नहीं दिख रहा है, डार्क पर्पल या वॉयलेट कलर टाइप, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है शरीर के लिए, पीलिया वालों के लिए तो खास तौर पर। तो दो पैकेट लाए थे हम काले भटके, तो मैंने कभी कभी बनाती हूँ, मैं रखे हुए हैं, गर्मी के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसकी तासीर है जो ठंडी होती है, तो गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा है भटकी दाल। और सर्दियों में थोड़ा ठंडा होता है, सर्दियों में हम गहत की दाल बनाते हैं, तो पहाड़ गर्मियों में भटकी दाल और सर्दियों में गहत की दाल। गहत की दाल तो खूब सारा आता है हमारे घर से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि इतना खा चुके हैं हम कि मन ऊब सा जाता है। तो फिर यहाँ पर सारे, इसके बाद मैंने खाना रख दिया था, तो यहाँ पर कपड़े मैंने सारे तह लगा दिए हैं, और इनको अच्छे से कबड़ में रख दूँगी मैं। फिर इसके बाद वैष्णवी का आने का भी टाइम हो रहा है, यहाँ पर लहसुन प्याज और टमाटर छिल दिया है, और इसके पापा ले आए हैं दूध, तो इसके बाद ये चले जाएँगे वैष्णवी को लेने के लिए, तब तक मैं खाना बनाते रहूँगी अपना। तो यहाँ पर इसके पापा को देखा मैंने, वो सो गए थे, मैंने सोचा चलो अपना आप सोते हैं थोड़ी देर, जैसे ही टाइम होगा तो मैं उनको उठा दूँगी फिर वैष्णवी को लाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने दाल में छौंक लगा दिया है, और प्याज लहसुन जो भी है सब डाल दिया है, और टमाटर भी डाल दिया है, तो अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं इसको, और मसाले वसाले सब डाल दिया है। इसके बाद डाल दूँगी मैं इस दाल को, भटकी दाल और जो थोड़ा सा चने वने डाले थे पूरा मिक्सचर, तो अच्छी सी अच्छे से पिघली हुई है ये, देखिए कितना अच्छा, थोड़ा सा अलग सा लुक दिखता है ना इसका, डार्कनेस ज़्यादा आती है इसमें, और टेस्टी भी उतना ही होता है, जो नॉर्मल दाल खाते हैं ना हम, उससे अलग टेस्ट होता है इसका, थोड़ा यूनिक सा होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके बाद इसके पापा चले गए हैं वैष्णवी को लेने के लिए, खाना मेरा बन चुका है, मैंने सोचा तब तक मैं जो मेरे ब्लाउज़ कुछ जो टाइट हुए थे ना उनको मैं ढीला कर रही हूँ, क्योंकि ये सब ब्लाउज़ ना मेरी मम्मी ने ही सिले हुए थे, वो बहुत अच्छा सिलती हैं, अब तो थोड़ी सी उम्र हो गई, अब छोड़ दिया है, क्योंकि बाद में ऐसा वाला काम ना नहीं हो पाता है जो बारीक वाला काम है, तो मैंने भी सीखा है, लेकिन मेरी सफाई नहीं आती है उतनी, तो ज़्यादा नहीं हो पाता है मुझसे, तो अभी तो मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सिलाई करने में मेरा ना बैक पेन हो जाता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, तो मैं नहीं करती हूँ, अब छोड़ दिया है, जो भी रेडीमेड ले आती हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्लाउज़ को ढीले कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी बज चुके हैं 6:30, तो फिर यहाँ पर मैं अब जा रही हूँ थोड़ा सा इवनिंग वॉक के लिए, वैष्णवी और इसके पापा चले गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैंने घर में जो बर्तन धोने थे वो धो दिए हैं, तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर वॉक करने के लिए चले जाती हूँ, क्योंकि मौसम भी बढ़िया हो रखा है, और थोड़ी देर वॉक करके आऊँगी तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, और मेरे लिए तो ज़रूरी है ही है, तो मॉर्निंग भी और इवनिंग भी दोनों टाइम ही कंपलसरी है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर होकर आ जाती हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद दिया बत्ती वगैरह सब स्टार्ट होगा मेरा, मतलब बर्तन वर्तन धो दिए हैं मैंने, बस सब्जी वगैरह काटनी है, तो कल तो संडे ही है, आराम से उठेंगे सुबह, तो फिर उतना मतलब सैटरडे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती कि सुबह जल्दी उठना है ये वाला, तो फिर जल्दी से मैं वॉक करके आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चली गई हूँ मैं इवनिंग वॉक पर, और थोड़ा सा वॉक करके थोड़ा सा रनिंग करके आ जाऊँगी, अब देखो शाम भी होने लग गई है, हल्की से अंधेरा हो गया है, आज काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि एक दो दिन पहले बारिश थी तो सब घरों के अंदर ही थे, तो आज खूब निकल रहे थे सब, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी वॉकिंग पर, तो अब मैं आ गई हूँ घर की ओर, क्योंकि अब शाम भी ज़्यादा मतलब रात होने लग गई है, ये देखिए अंधेरा सा हो गया है, और यहाँ देखा वैष्णवी लोग भी आ गए थे, वैष्णवी और इसके पापा खेल कर आ चुके थे, तो फिर इसके बाद अब मैं पी लूँगी ढेर सारा पानी, क्योंकि इतना सारा वॉकिंग किया तो पानी मतलब पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, बहुत पसीना हो गया था और गर्मी भी लग रही थी, तो वैष्णवी आ गई है यहाँ पर, इसने अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं सारा, तो अब यहाँ पर रेस्ट कर रही है, ये भी थक जाती है शाम को, अब तो इसके एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गए हैं, तो बस आराम थोड़े दिन आराम करेगी, रेस्ट करेगी, फिर इसके बाद वही पढ़ाई स्टार्ट। तो अब यहाँ पर मेरा हो गया है पूजा पाठ, शाम की जो संध्या पूजा होती है वो वाला स्टार्ट हो गया है, तो इसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे किचन में।
तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने रोटी सब्जी बनाई है यहाँ पर, तो उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगी थी, मुझे मन भी नहीं कर रहा था रिकॉर्ड लेने का, क्योंकि वही सब्जी और रोटी ही बनाई हुई है। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, आके थोड़ा सा आगे का डाल दूँगी, या फिर मेरा मूड ही नहीं हो रहा था बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ले लिया। यहाँ पर हमने खाना खा लिया है सब लोगों ने, और जो बर्तन थे मैंने सिंक में डाल दिए हैं धोने के लिए, और यहाँ पर अब मुझे किचन का जो है अच्छे से क्लीनिंग करनी है। वैष्णवी को आ रही थी नींद तो वो चली गई है सोने के लिए। मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, क्योंकि मैं किचन को क्लीन करके ही आऊँगी, सब कुछ साफ़ सुथरा करके, और मतलब जब तक किचन साफ़ न हो ना मन को चैन ही नहीं मिलता है इसलिए। लेकिन मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी इसलिए मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने रोक दिया था। फिर मैं सोच रही थी चलो ले ही लेती हूँ, तो मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर तो यहाँ पर सारे सामान मैंने सिंक में डाल दिए हैं, और पानी छिड़क दिया है गैस में। थोड़ा पानी छिड़कने से ये होता है कि जो भी उसमें मतलब खाने की चीज़ें गिरी रहती हैं ना, वो थोड़ा सूख जा जाती है ना गर्मी से, इसलिए पानी डाल के फिर वो आसानी से निकल जाते हैं हैंकी से। तो फिर यहाँ पर अब मैं अच्छे से पोछा ओछा लगा लूँगी यहाँ पर, और यहाँ पर पानी का बॉटल रखा हुआ है मैंने, यहाँ पर गीला गीला सा रहता है ना, तो यहाँ पर भी अच्छा सा पोछा मार के अच्छे से सुखा दूँगी इसको मैं। और बाकी थोड़ा सा मुझे काउंटर पार्ट की है जो गैस की है, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है। पहले मैं यहाँ पर बर्तन हटा दूँगी, दूध का जो पतीला था उसको मैं फ्रिज में रख कर आ गई हूँ, और अब मैं सर इसमें थोड़ा सा विम डाल दूँगी। जिस दिन विम से साफ़ करती हूँ ना इतना अच्छा चमक जाता है ना गैस, सच में जो भी चिकनाई लगी रहती है सब साफ़ हो जाता है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो अच्छा भी लगता है खुद को जिस दिन खूब सारा किचन को हम चमकाए सा रहते हैं। वैसे तो डेली क्लीनिंग तो डेली ही होता है, लेकिन किसी दिन अच्छे से भी करना ही पड़ता है। तो फिर यहाँ पर इसके पापा भी बैठे हुए थे अभी, और वैष्णवी भी सो गई है, अब मैं ही लगी हूँ क्लीनिंग व्लीनिंग के जो भी चीज़ें हैं इसमें, और इसके बाद मैं भी चले जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि थकान मतलब पूरे दिन इतना ज़्यादा काम होता है ना, सच में बहुत ज़्यादा थकान लगती है। किसी दिन तो मैं दिन में रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन किसी दिन नींद ही नहीं आती है ना, फिर बहुत मतलब शरीर ऐसा नहीं होता, थका थका सा रहता है। और मैंने आज इवनिंग वॉक भी बहुत ज़्यादा की थी, क्योंकि साथ में कोई मिल गए थे ना, तो बातें भी करते जा रहे थे और चलते भी जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो गया था, तो मुझे बहुत थकान लग चुकी थी आज। तो फिर यहाँ पर अच्छे से मैंने पानी डाल दिया है, बीम लगा दिया था अच्छे से, और पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देखिए चमकने लग गया है, और जिस दिन बीम से ना मैं काउंटर पार्ट अच्छे से साफ़ करती इतना चमकता है ना ये साफ़ सुथरा, कितना बड़ा अच्छा लगता है ना खुद को एकदम जब चमकने लगता है तो किचन। बस यही है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मतलब ऐसा होता है ना कि भले तबीयत कैसे भी हो ना, मैं किचन को ना साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ, भले कितनी ही मतलब कुछ भी तबीयत हो मेरी। पर रह गए हैं बर्तन धोने, अब चलो अब जल्दी से बर्तनों को भी निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं, और गैस के जो चूल्हे हैं वही बचे हुए हैं, तो गैस के चूल्हे भी मैंने धो दिए हैं। बस अब ये सिंक विंक धोना है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, जूठा पीठा गिरा रहता है जो उसको उठाऊँगी। तो और जो ये किचन के पोछे वाले कपड़े हैं इसको धो धा कर सीधे बाहर डालने रख दूँगी मैं, क्योंकि वैसे यहाँ पर भी सूख जाते हैं, लेकिन किस लिए मेरा बाहर काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो पास में ही तो है बालकनी, तो मैं सारा सब कुछ बाहर डाल देती हूँ जो भी रात में किचन के सामान मतलब पोछा वाले सामान होते हैं सारे। तो इसके बाद बचा लास्ट फर्श को साफ़ करना, तो इसमें पोछा मार दूंगी मैं, वैसे बस इसी में ही मारती हूँ पोछा और जगह नहीं। मतलब रात में तो झाड़ू पोछा से अच्छा नहीं मानता है, लेकिन किचन में तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि इतना खाना बनाते हैं ना तो गंदा सा हो जाता है, और बर्तन धुलते हैं तो पानी गिरा रहता है नीचे पर। तो फ्रेंड्स किचन का काम ख़त्म, और यहाँ पर अब मैं अच्छे से अपना हाथ मुँह को क्लीन कर लूँगी, और थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना शाम से काम करते करते ना मेरा फेस में बहुत ज़्यादा ऑयल निकल जाता है, दिन में भी निकला रहता है हर टाइम, तो मुझे फेस धोने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एकदम हाथ में लगाती हूँ ना ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कुछ ऑयल लगाया हुआ है फेस पर, इतना चिपचिपा हुआ रहता है, इसलिए मुझे कुछ भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने अभी बस पानी से ही धोया हुआ है, फेस वॉश से नहीं धोया है, क्योंकि पानी से धोकर और फिर थोड़ा सा टॉवल से पोंछ लूँगी तो क्लीन हो जाता है, और एकदम फ्रेशनेस भी लगता है ना हाथ मुंह धोकर सोते हैं तो। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश कर लूँगी, और पैरों को धोकर ही सोती हूँ मैं अच्छे से, वैसे शाम को दिया बत्ती करके भी धोया हुआ था तो एक बार और धो लेती हूँ।
और इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। सोने से पहले एक गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उनको जिनको थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है उनके लिए ना। तो मैंने ये रूटीन ही बना लिया, सोने से पहले एक गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अब मैं किचन की लाइट बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स खाना पीना सब कुछ हो गया है और अब सोने की तैयारी हो रही है। और वैष्णवी भी तो सो गई है, सोई नहीं है, मतलब सोने की कोशिश कर रही है, इसको भी नींद आ रही बहुत ज्यादा। और मुझे भी आज बहुत ज्यादा थकान सी लग रही है, तो आज जल्दी सो जाऊंगी मैं। देखती हूँ थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग भी कर सकती हूँ और फिर उसके बाद मैं जल्दी सो जाऊंगी। वैसे लेट सोती थी तो थकान जैसी लग रही है। तो फिर एक गिलास पानी पीकर आ गई हूँ मैं और अब करती हूँ सोने की तैयारी। आज दूध नहीं पीऊंगी मैं क्योंकि हमने मीठा ही खाया था, तो डिनर पर दूध कल पी। और हाथ मुंह और ब्रश कर लिया है मैंने। रात में मैं कुछ नहीं लगाती हूँ चेहरे पर, ऐसे ही सो जाती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली फेस है ना, ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वैसे ही इतना ज्यादा ऑयल निकला रहता है फेस से, तभी कुछ नहीं लगाती हूँ मैं। तो जी ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।